नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान बढ़ गई है? क्या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच बातचीत बंद हो गई है? क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों में खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आरएसएस बीजेपी के रथ का घोड़ा बदलने के बारे में सोच रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आरएसएस ने इस चुनाव में अपना हाथ खींच लिया है, यानी कि बीजेपी के काडर की मदद आरएसएस का काडर नहीं कर रहा है। इस तरह की चर्चा बीजेपी खेमे में भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम करने की कार्यशैली से न सिर्फ मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसु बोले, बल्कि आरएसएस की अन्य लीडरशिप भी मोदी की डिक्टेटरशिप वाली सोच से नाराज है। इस नाराजगी के पीछे की वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को एक तरह से साइड लाइन कर दिया। वो कैसे, ये आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच आरएसएस खेमे में चुनाव को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव चल रहा है, जो तस्वीर जनता के बीच से निकलकर सामने आ रही है, उससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार शायद बीजेपी को बहुमत ना मिले। अगर बीजेपी 240 और 285 के इर्द गिर्द रहती है तो फिर आरएसएस बीजेपी के रथ का घोड़ा बदल सकती है और उस घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले सकती है। घोड़ा बदलने से मतलब है नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकती है, उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, जो भागवत के करीबी भी हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी। ये तभी संभव है जब बीजेपी बहुमत यानी कि 272 से बहुत नीचे यानी कि 250 से कम सीटों पर जीत दर्ज कर पाए। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी 240 से 250 सीटों पर सिमट जाए, तो फिर नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब न सिर्फ आरएसएस तोड़ देगी, बल्कि साथी दल भी इस आहुति में शामिल हो सकते हैं। मतलब किसी बाहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरएसएस किसी भी हाल में गुजरात लॉबी को मजबूत होते नहीं देखना चाहती। अब ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये टशन क्यों है, क्या कारण है कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। आखिर आरएसएस प्रमुख और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत क्यों बंद है? दरअसल ये तल्खी दोनों के बीच आई कैसे, ये विवाद कहां से शुरू हुआ, इसको समझने के लिए दोस्तों बस कुछ देर और मेरे साथ बने रहिए। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला जो आरएसएस को बुरा भी लगा और उसकी नींद भी उड़ा दी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल जेपी नड्डा ने किया, उन शब्दों का इस्तेमाल आरएसएस के लिए खुद से जेपी नड्डा नहीं कर सकते। इसके पीछे गुजरात लॉबी की सोची समझी चाल है। ये वो शख्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी में सबसे बड़ा नेता है, यानी कि बीजेपी अध्यक्ष की भूमिका में है, भले ही मोदी और शाह के इशारों पर चलता है। इस शख्स ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी आरएसएस से इस चुनाव में कोई मदद नहीं ले रही है, बीजेपी खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है, उसको आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है। मोदी और शाह की जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ने में सक्षम है, वो आत्मनिर्भर है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये अटल और आडवाणी की बीजेपी नहीं है। मतलब जेपी नड्डा ने बात कुछ ऐसी कही जैसे हाथ पकड़कर चलना सिखाने वाले माँ बाप से बेटा कहे कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का जब नड्डा ने बयान दिया तो इससे आरएसएस के कार्यकर्ताओं और उनकी लीडरशिप बहुत ज्यादा नाराज हुई। इससे एक बात और साफ होती है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कोई बेगाना नहीं हो जाता। वैसे बीजेपी की तरफ से इस पर सफाई दी जा रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। ये कहावत तो सुनी होगी, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। मतलब अगर मोदी की अगुवाई में बीजेपी 272 से नीचे आई तो फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे नितिन गडकरी के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ को लेकर वैसे भी कयासों का दौर चलता रहता है कि आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे नेताओं की फेहरिस्त में शामिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अंदर खाने तलवारें खींची हुई हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल ही में जब केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट और योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर बयान दिया तो अमित शाह ने सिर्फ मोदी का बचाव किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ नहीं बोला। वैसे ऐसे बहुत से नेता हैं जो बीजेपी के अंदर गुजरात लॉबी के खिलाफ हैं,
लेकिन नितिन गडकरी के साथ हैं। बहरहाल सवाल ये है कि 4 जून या फिर उसके बाद क्या होने जा रहा है? अगर बीजेपी 272 से नीचे आती है तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जहां 245 से 250 के बीच बीजेपी का विजय रथ रुक जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या मोदी के नाम पर सहमति बनेगी? क्योंकि बहुत से राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि बीजेपी 240 से 250 के बीच फंसती है तो फिर नरेंद्र मोदी का विकल्प तलाशा जाएगा, उनकी जगह किसी और के बारे में सोचा जाएगा, उसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका रहेगी। नमस्कार।